हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एयर प्योरिफिकेशन के बारे में, और ऐसे में हमने अभी तक जितने भी एयर प्योरीफायर रिव्यू किए वो सारे हेपा फिल्टर के साथ आते हैं, जिसमें वो PM2.5 वाला पार्टिकल जो है वो क्लीन कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक और तरह का प्योरीफायर हमारे पास आ गया है, जो कि स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है, ईजी टू कैरी है, और आप इसे अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस एयर प्योरीफायर की। कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे इसके ऊपर टच बटन्स आपको मिल जाते हैं, और इन टच बटन्स के थ्रू इस एयर प्योरीफायर को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एयर प्योरीफायर ना सिर्फ हम इस वीडियो में रिव्यू कर रहे हैं, साथ साथ इसका गिव अवे भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को। अब कमाल की बात यह है कि ये एयर प्योरीफायर ना सिर्फ हेपा फिल्टर के साथ आता है, साथ साथ ये नेगेटिव आयनाइजर के साथ आता है। यानी कि ये एयर प्योरीफायर कुछ इस तरह से डिजाइंड है जिसके अंदर ये नेगेटिव आयंस जो है हवा में छोड़ता है, और वो नेगेटिव आयंस रिएक्ट करते हैं उन डस्ट पार्टिकल से जो कि हवा में होते हैं, और उस केस में वो जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में नहीं रह पाते हैं, वो बेसिकली उनका वेट ज़्यादा हो जाता है और वो बेसिकली फॉल कर जाते हैं एज डस्ट ऑन द ग्राउंड। तो उस तरह से एयर प्योरीफिकेशन होती है। तो ये एक दूसरी तरह की प्योरीफिकेशन है, और यहाँ पे ये प्योरीफायर आपके डेस्क के लिए, एक छोटे कमरे के लिए बना हुआ है। 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर एक 10x10 के कमरे को ये प्योरीफाई कर देता है, और छोटे छोटे वेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए, जिसके थ्रू ये एयर जो है आउटटेक करता है, और इनटेक जो है एयर का वो यहाँ पे बॉटम से होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेंट्स वगैरह बने हुए हैं, और इस वेंट के अंदर आपको मिलता है हेपा फिल्टर। तो हेपा फिल्टर के थ्रू पहले तो PM2.5 पार्टिकल उसमें से सेपरेट होते हैं और फिर हवा बाहर निकलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये एरिया बना हुआ है, इस एरिया के थ्रू ये नेगेटिव आयंस जो है एयर में देता है, और वो डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करती है। अब बात करें यहाँ पे कितना बड़ा साइज है, तो एक नॉर्मल डेस्क पे आपका कुछ ऑलमोस्ट लाइक छोटा सा एक एरिया ले लेगा, जितना एरिया एक लैपटॉप लेता है उससे और थोड़ा कम एरिया ही ले लेता है। स्क्वायरिश डिजाइन में है, लेंथ में कुछ इस तरह से है, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड डेस्कटॉप एयर प्योरीफायर। तो ऐसे में अगर आप लंबे समय तक अपने कंप्यूटर डेस्क पे काम करते हैं, बैठते हैं, तो उस केस में ये बहुत बढ़िया चीज़ है और आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके डेस्क के अराउंड जो एयर है उसको प्योरीफाई कर देता है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मोड मिल जाते हैं, जैसे कि स्लीप मोड, स्लीप में यानी कि बिल्कुल शांत काम करेगा, आवाज़ नहीं करेगा, मीडियम स्पीड पे आप इसे रन कर सकते हैं, और हाई स्पीड पे भी आप रन कर सकते हैं। इवन हाई स्पीड पे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ ये नहीं करता है, और फिल्टर रिप्लेस की वार्निंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसको आप लगातार 5 घंटे तक चला सकते हैं। अब ये ऐसा एयर प्योरीफायर नहीं है जो लगातार 24 घंटे तक चलाया जाए, तो ऐसे में जितनी देर आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस डेस्क पे उतनी देर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको 5 अलग अलग टाइमर बोर्ड मिल जाते हैं, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 5 आवर्स। तो 5 आवर्स तक कंटिन्यूसली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बात यह है कि एयर प्योरीफिकेशन आपको मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एरिया है, जिस एरिया को प्योरीफाई करें, वो थोड़ा सुगंधित होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा स्मेल करना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे डिओडोराइजेशन भी पॉसिबल है, यानी कि आप इसमें छोटा सा डिओड्रेंट जो है डाल सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एरिया बना हुआ है जहाँ पे आप डिओड्रेंट डाल सकते हैं, और उस केस में ये एयर प्योरीफिकेशन के साथ साथ उस डिओड्रेंट को भी हवा में फैला देगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये एयर प्योरीफायर ऐसा है जो कि डेस्क के लिए बनाए और इफेक्टिवली काम करता है, अलग अलग तरीक़ों से काम करता है, ताकि आपको एक बेहतर एयर तो मिले, साथ ही साथ सुगंधित एयर आपके पास आसपास हो। और इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव आयन इसमें से जो आते हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म करता है छोटे एरिया में। डेफिनेटली ये बड़े रूम के लिए नहीं है, दिस इज़ लाइक फॉर अ डेस्क एंड स्मॉल एरिया, बट इट वर्क्स इफेक्टिवली, जैसे कि हमारे टेस्टिंग में यहाँ पे आया है। अगर हम बात करें पावर की, तो नॉर्मल पावर प्लग में आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है यूएस प्लग मिल जाता है, इस पर अडैप्टर आप लगा के यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये इंडियन प्लग के साथ भी मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाय लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ दिया गया है, और मेरे हिसाब से तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं इस एयर प्योरीफायर को कुछ समय से यूज़ कर रहा हूँ अपने डेस्क के आसपास, एंड यू फील द डिफरेंस व्हेन यू यूज़ इट। उसके सारे बटन जो है यहाँ पे टच बटन हैं, इंटरफेस काफ़ी ईजी है समझना। आप यहाँ पे टैप करिए एंड देन इट बेसिकली गोज इन टू दैट मोड, सो पूरी फंक्शनिंग जो है यहाँ से कंट्रोल हो जाती है। इसका कोई रिमोट नहीं है, कुछ इस तरह से ये एयर प्योरीफायर है, जो कि मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये एयर प्योरीफायर से थोड़ा ज़्यादा है, हेपा फिल्टर के अलावा और चीज़ें भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर फ्रेश एयर दे रहा है जब आप खासतौर से काम कर रहे हैं लंबे समय तक अपने डेस्क पर बैठ के। तो अगेन आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चन हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये गिव अवे भी कर रहे हैं, तो यानी कि ये आप जीत सकते हैं, और जीतने के लिए आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं जो कि इस वीडियो के अंदर पूछे गए, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और आप ये एयर प्योरीफायर अपने लिए जीत सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।